अशोक लेलैंड की मैनेजमेंट से बात करते हैं। Q4 में कंपनी का मुनाफा 20% और एबिटा ग्रोथ 25% रही, मार्जिन 3% से बढ़कर 14% हुए, हालांकि आय में 3% की गिरावट रही। चौथी तिमाही में 70 करोड़ का एक वन टाइम लॉस भी रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD शेनू अग्रवाल। शेनू जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले मार्जिन्स की बात करते हैं। Q4 में आपके मार्जिन्स काफ़ी शानदार रहे, इसके पीछे क्या कारण थे और क्या ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है मार्जिन्स पर? ओवरऑल एक बहुत अच्छा साल रहा, जहां तक बिजनेस ग्रोथ का सवाल है। जहां तक कॉस्ट का सवाल है, वो हमारा एक एफर्ट हमेशा से पिछले साल से जारी जारी था। वो इस बार FY24 में हमने और भी बड़ा टारगेट लिया था और मुझे बहुत खुशी है कि टीम्स ने बहुत अच्छा काम करके हर तरह की कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या ऑपरेटिंग कॉस्ट हो या वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट हो, हर तरह की कॉस्ट को चैलेंज किया, उसमें वेस्ट ढूंढा, उसको हटाने के लिए काम किया और इन्हीं सब के चलते हम लोग इतना शानदार प्रदर्शन कर पाए। आगे चलते हुए हमें उम्मीद है कि हमारा जो फोकस है, चाहे वो कॉस्ट पे हो या प्राइस रियलाइजेशन पे हो या फिर सभी वर्टिकल्स को फोकस करके सभी को एक साथ बढ़ाने में हो, आई थिंक वो जर्नी तो जारी रहनी चाहिए और आने वाला समय इंडस्ट्री के हिसाब से भी लगता है कि अच्छा रहेगा। मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो आशा है हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस FY25 में। ओके श्योर सर, एग्जैक्टली मार्जिन्स को लेकर आपका पिच का व्यू क्या है? आई मीन जिस तरीके से मेटल प्राइसेस हैं काफ़ी फर्म है, स्ट्रॉन्ग मेटल प्राइसेस, तो क्या ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री को आने वाले क्वार्टर्स में हिट करेंगे? मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री अगले दो एक दो क्वार्टर्स में क्या रहेगी, स्पेशली FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में? देखिए, कॉमोडिटी प्राइसिंग में ऑफकोर्स आप सही कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन पिछले साल हमने देखा स्पेशली लास्ट के 6 महीने में कि वॉलेटिलिटी में थोड़ा सुधार आया है। ठीक है, अभी प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ा बेटर हो गया है, सॉफ्टनिंग भी हुआ है स्टील के प्राइसेस में और कुछ कॉमोडिटीज में, सो उससे भी हमको लास्ट ईयर हेल्प मिला है। इस साल भी ऐसी उम्मीद है कि कॉमोडिटी प्राइसेस कंट्रोल में रहना चाहिए, एक रेंज बाउंड कंट्रोल में रहना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स यू नो कॉमोडिटी प्राइसेस के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिक बट ग्लोबल, जो इनको इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए हमारा फोकस ये है कि हम जितना हम अपनी कंपनी को एफिशिएंट बना पाए, अपने ऑपरेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, प्राइस रियलाइजेशन पर फोकस कर पाए थ्रू बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विस, तो हमारा फोकस वो है। बट या आई मीन कॉमोडिटी का अभी हमको ऐसा कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देखने में नहीं आ रहा है। ओके, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, FY25 में ये साइकिल किस तरीके से प्ले आउट होगी और क्या कारण है कि आपकी ओवर बुकिंग्स जो है वो बेटर रही इस पीरियड में? अगर आप वो 4 महीने का हिस्सा हटा दें, क्योंकि वो एक यूनिक था हाई बेस की वजह से, तो पहले 8 महीने में जो ग्रोथ दिखाई थी हमको 8 से 10% की, वैसी ही ग्रोथ अब हमको अप्रैल में भी 10% की लगभग दिखाई दे रही है। तो मुझे तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम पर हैं MHCV इंडस्ट्री में। मुझे तो ऐसा लगता है कि H1 में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, मुझे लगता है FY25 में भी हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे कुछ ग्रो कर पाएंगे। ये भी काफी विचार था कुछ लोगों का कि इलेक्शंस की वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इंडस्ट्री में। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि शायद 15% तक इंडस्ट्री डाउन जाए H1 में, लेकिन अभी अप्रैल, हालांकि एक ही महीना है, लेकिन अप्रैल ने जो हमें दिखाया है कि 10% का ग्रोथ, वो तो -15 से 10 तो बहुत दूरी पर है। इवन मई के महीने में भी हमें जो ग्राउंड पे पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पल्स दिखाई दे रही है, उससे हमें लगता है कि ये आने वाला समय, चाहे वो H1 हो या फिर पूरा साल हो, हमें लगता है कि CV इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा समय होना चाहिए। ओके शरू जी, ये सरकार का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे जोर है, काफ़ी जोर है EV पर, EV के चलन को बढ़ावा देने के लिए अगले एक वर्षों में, आई मीन स्पेशली FY25 में आप EV पे कैसे काम करेंगे, इस संदर्भ में आपकी परियोजनाएं? बहुत अच्छा सवाल। इलेक्ट्रिक में जहां तक सवाल है, हम जानते हैं कि सभी जानते हैं कि बस और फिर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। आई थिंक मीडियम और हैवी ड्यूटी में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा।
हालांकि हम टेक्नोलॉजी वाइज उसमें भी रेडी हैं, लेकिन जो बस और जो लाइट कमर्शियल ट्रक का बिजनेस है वो हमारा, हमारी जो सब्सिडरी है स्विच इंडिया, उसमें है। स्विच इंडिया में के प्रोग्रेस से हम बहुत खुश हैं। जहां तक बसेस का सवाल है, ऑलरेडी बहुत सारी बसेस हमारी, इलेक्ट्रिक बसेस हमारी अभी यूज में हैं, सड़कों पर हैं, काम कर रही हैं। अभी हमारे पास 950 का एक ऑर्डर है जो हमें सप्लाई करना है दिल्ली में। हमारे पास एक 300 बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर है जो हमें बेंगलोर में प्रोवाइड करना है। इसके अलावा भी कुछ और छोटे ऑर्डर हैं। सो हमारी जो प्रोडक्ट ऑर्डर की पाइपलाइन है इलेक्ट्रिक बस की, वो ऑलरेडी 1500 बसों के आसपास है। अभी आने वाले समय में FY25 में खास तौर पर हमारे लिए चैलेंज अब ऑर्डर नहीं है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम इनको समय से कैसे सप्लाई करें, हम अपना प्रोडक्शन, अपना सोर्सिंग, अपना मटेरियल बाइंग कैसे रैंप अप करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम ये 1500 बसों को टाइमली या समय से पहले प्रोवाइड कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ये गुड प्रॉब्लम टू हैव। हिनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, अशोक लेलैंड। अब बात करते हैं DLF की।